kumārta rūpam devasvarūpam nityānvitam devamadīvatulyam ātmovatām vairopurānta nityam Purneshwari Maam Prahvannamami. मैं अत्यंत सौंदर्यशालिनी षोडशी त्रिपुर सुंदरी अप्सरात मकाम जो कि जीवन में सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, जो जीवन में भोग और जीवन में मोक्ष प्रदान और निरंतर प्रदान करने में सहायक है, ऐसी ही पूर्णेश्वरी सौंदर्योत्तमा भगवती विराट षोडशी को प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्णता हो। प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने एक विशेष तथ्य आपके सामने रखा था और यह बताया था कि जीवन में षोडशी साधना आवश्यक है, क्योंकि जो जीवन के अर्थ और मर्म को समझना चाहता है और जो प्रत्येक व्यक्ति अगर जीवित है और सही अर्थों में मनुष्य है, क्योंकि आप स्वयं रोज गाते हैं यदि मानव का मुझे जन्म मिले, इसका तात्पर्य है कि आप सही अर्थों में मानव नहीं बन सके हैं यदि जन्म मिले, क्योंकि मानव का तात्पर्य है नित्य नवीनता की ओर अग्रसर बना रहे। मां नव वही मानव है जो निरंतर नवीनता की ओर निरंतर अग्रसर होता रहे, बहते हुए जैसे जल का प्रवाह होता है छल छल करता हुआ, जैसे झरना ऊपर से गिरता है एकदम से और उसके संगीत से आदमी मुग्ध हो जाता है, जिस प्रकार से एक लहर पर लहर उठती हुई नदी अग्रसर होती रहती है, ऐसा ही जीवन निरंतर अग्रसर होता रहे, अगर ऐसा है तो वह मानव है। हमें मानव बनने की आवश्यकता है और जो निरंतर नवीनता की ओर अग्रसर होने में समर्थ है, और समर्थ वह हो सकता है जो जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, जिसमें यह हौसला होता है कि मैं कुछ करूंगा, और यह हौसला तब प्राप्त होता है वह चाहे 20 साल का लड़का हो, वह चाहे 80 साल का वृद्ध हो, उसमें हौसला होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि काया अगर वृद्ध हो जाती है तो मन भी वृद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आप में कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, और जो रिस्क लेता है वह जिंदगी में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह साधना में सफलता प्राप्त करने की हो, वह चाहे जीवन में आगे बढ़ने की हो, वह चाहे जीवन में नवीनता प्राप्त करने की हो। और इस प्रकार की जो नित्य नवीनता की ओर अग्रसर है वह निरंतर सौंदर्यशाली बना रहता है। सौंदर्य की परिभाषा यही है, सौंदर्य का चिंतन यही है। सौंदर्य आकाश से प्राप्त नहीं होता, सौंदर्य तब प्राप्त होता है जब हम नित्य नवीन चिंतन करें। उसमें बाधाएं अड़चने कठिनाइयां तो आएंगी ही और आती ही है, उसमें इस बात का भी होता है कि यह काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें इस तथ्य की ओर तो देखना ही नहीं है, हमें तो अपने जीवन को दांव पे लगाना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और अगर जीवन को दांव पे लगाने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, अगले जीवन में उसको एक बार और दांव पे लगाएंगे, कम से कम यह तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने एक बार चैलेंज के रूप में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है, नहीं मिला और कोई अफसोस और गम और बात नहीं है कि हमें नहीं मिला, मगर यह संतोष है कि हम रिस्क लेने में समर्थ थे, हमने कुछ नवीनता देखी। जो व्यक्ति साधना करने में ही समर्थ है, जो साधना करने का निश्चय कर ही लेता है, वह तो किसी भी क्षण आकर के मिल लेता है कि गुरु जी अब मैं 10 दिन में आपके साथ रहना चाहता हूं,
और वे अगर मैं कहूं कि मुझे तो इस समय बंबई जाना है तो मैं गुरुजी बंबई आपके साथ चलूंगा, जहां आप रहेंगे वहां रहूंगा, मुझे साधना आपके साथ दस दिन करनी है। शिष्य को गुरु के अनुरूप चलना पड़ेगा, वह चाहे गुरु जहां जाए अपने साथ जाने की आप में रिस्क होने की भावना होनी चाहिए। और ऐसा चिंतन आप जब ले सके, ऐसा आपके जीवन में विचार आ सके, तो व्यक्ति स्वयं सौंदर्य युक्त बन जाता है। इसीलिए इस श्लोक के प्रारंभ में मैंने कहा, जब नारायण मंत्र का पूर्ण विनियाग और विनियोग देखें तो ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई और विच्चे का पूर्ण रूप से तात्पर्य है कि हम अपने आप में ही नित्य जन्म लेते रहे, तब उस पूरे मर्म को समझ पाएंगे। और नित्य जन्म लेने का तात्पर्य है नित्य कुछ ऐसा कार्य करना जिसके माध्यम से हम कुछ इंच, कुछ गज, कुछ मील आगे बढ़ सके। मैंने सुबह तिब्बती साधना के बारे में, लामा साधना के बारे में आपको समझाया था। उनकी साधनाएं यदि आपको देखनी हो तो भारतवर्ष में भी देख सकते हैं। बंबई के पास में एक वज्रेश्वरी स्थान है, बंबई से 60-62 या 65 किलोमीटर दूर होगा। वहां पर दो चीजें हैं, एक तो अत्यंत भौतिकता युक्त आश्रम जिसमें किसी समय मुक्तानंद जी और उनके गुरु जी थे, नित्यानंद के बाद मुक्तानंद जी हुए। मुक्तानंद जी का तो अब वो लोकवास हो गया, मगर मैं सोचता हूं कि पूर्ण भौतिकता और घोर भौतिकता युक्त आश्रम है, जहां भौतिकता के दर्शन तो होते हैं, आध्यात्मिकता के दर्शन नहीं हो सकते। और उससे 3 मील दूर पर प्राचीन वज्रेश्वरी का मंदिर है। उस वज्रेश्वरी मंदिर का आज भी पुजारी एक लामा है, आज भी, जो कि अत्यंत ही सामान्य रूप में है मगर अपूर्व सिद्धियों से युक्त है, अद्वितीय सिद्धियों से युक्त है। आवश्यकता है पहचानने की, बंबई 50 साल रहने के बाद भी आवश्यकता ही नहीं पड़े। ज्यादा से ज्यादा उस मुक्तानंद आश्रम में जाकर के लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां अच्छी होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं और सब कुछ है। और उनके शिष्यों ने एक दूसरे पर मुकदमे चला रखे हैं, एक दो शिष्य ने धन सारा लेकर के भाग गए हैं। और जहां भौतिकता होगी वहां यही होगा, मगर मैं तो वज्रेश्वरी की बात कर रहा था। उसके पीछे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी की विशेषता है, उसमें गुफा है, गुफा के अंदर लामा रहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बंबई से आगे एक मलंग बाबा का आश्रम है, मलंग बाबा की कुटिया है। वज्रेश्वरी से पूरे मलंग तक, और मलंग मत्स्येंद्रनाथ का आश्रम है। मलंग तो हमने मुसलमानी नाम दे दिया गया है, नाम तो हमने राम जन्मभूमि का भी बाबरी मस्जिद दे दिया है, मगर मूल रूप से मत्स्येंद्रनाथ ने वहां समाधि ली थी, इसलिए वो स्थान मलंग आश्रम के नाम से या मलंग बाबा के नाम से मशहूर है। मैं तो बहुत साल पहले जब मैं वज्रेश्वरी की तरफ गया था तो नित्यानंद जी थे और उस समय भी वो लामा वहां था, और आज भी लामा वहीं पर है। मैं तो एक लामा की बात बता रहा था कि लामा कैसे होते हैं, यदि आपको कभी उधर जाने का मौका मिले तो आप उनको देख सकते हैं। और उनकी सिद्धियां निश्चय ही ऐसी सिद्धियां जो कि अपने आप में ही हम पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त हो सके, ऐसी साधना तिब्बती साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। यहां तो मंत्र साधना भी है, तंत्र साधना भी है, भारतीय दर्शन, मगर मंत्र किसी देश और काल और पात्र के बीच में बंधा हुआ नहीं रहता। ये मंत्र नहीं होता कि ये भारतवर्ष का मंत्र उच्च है और तिब्बती मंत्र नीचा है, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्र तो सर्वव्यापक है, सार्वजनिक है, सार्वदृष्टि कालिक है, जहां पर भी उच्च कोटि की चीज मिल सके। मैंने सुबह आपको यही बताया था कि यदि सोर सी साधना करना ही है, और मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि यदि हम सही अर्थों में मनुष्य हैं, यदि जीवन का कुछ आनंद लेना है, और जीवन का आनंद लेने के लिए मैंने आपको चिंतन भी बता दिया कि जीवन का आनंद तब ले सकते हैं जब हम गुरु की साहचर्यता प्राप्त कर सके, सामीप्यता प्राप्त कर सके। और गुरु की सामीप्यता प्राप्त करने के लिए जहां भी गुरु हो वहां पहुंच जाए, ये एक रिस्क है, इतनी आसान रिस्क कि ट्रेन में बैठ करके उनके पास पहुंचा जा सकता है। मैं आपको हिमालय और गिरी कंदराओं और वहां की तूफानों को और बर्फीली हवाओं की बात नहीं कर रहा,
मगर इतनी छोटी तो रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी, और ऐसे समय में जब आप कुछ प्राप्त करने की एक आकांक्षा रखें तो उस पूरी साधना को आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। वहां पर जो मैंने सुबह जिस मठ का आपको वर्णन किया, वहां पर विराट षोडशी साधना का और उनकी मूर्ति का अपने आप में एक भव्य अवतरण है। इतनी सुंदर, उस पूरे पहाड़ को काट करके ही मूर्ति का चित्रण हुआ है। जैसे अजंता और एलोरा में अगर आप देखें तो पूरे पहाड़ को काट करके मूर्तियां बनी है, और ऐसा सैकड़ों स्थान है भारतवर्ष में जहां पर उन लोगों ने, आप कल्पना करें कि एक मूर्ति को, पत्थर को काट काट करके पूरी मूर्ति को आकार देने कितने साल उनको लगे होंगे, कितनी जिंदगी को दांव पे लगाया होगा। जो व्यक्ति अपने पैरों पे सामर्थ्य रखते हैं और जो निरंतर बढ़ने की क्रिया करते हैं, और ऐसी क्रिया होनी ही चाहिए, जो मैं आपको तिब्बती साधना के बारे में समझा रहा हूं, मैं उस साधना का तो एक अनंत रूप है, उनकी दीक्षा का क्रम अलग है, उनको किस प्रकार से वो शिष्य को पूर्ण रूप से दीक्षा प्रदान करते हैं, किस प्रकार से उसको वायवीय रूप देते हैं, किस प्रकार से उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं शिष्य को, यह तिब्बती साधना के माध्यम से ही संभव है, और पूरे लामा के रूप में रहकर के उस साधना की जा सकती है। सो मैंने उस सौंदर्योत्तम साधना के बारे में समझाया, और मैंने ये बताया कि उस साधना के माध्यम से उस सौंदर्यवती को 2400 घंटे अपने साथ रख सकते हैं दृष्टिपथ पर, और दृष्टिपथ जहां हम उनको देख सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उनके द्वारा कार्य संपन्न करवा सकें। मैं बहुत वर्ष पहले की बात, जब मैं ज्ञान जुमठ में गया तो मैं तो तिब्बती साधना के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। मैं तो शंकराचार्य के श्लोक को देखा और यह अनुभव किया कि अगर शंकर ने स्वयं चलकर के वहां उस साधना को संपन्न की तो जरूर उसमें कुछ रहस्य होगा, क्योंकि उसको तो पूरा भारत में कई स्थान थे जहां बैठ करके साधना की जा सकती थी, वहां क्यों गए, कुछ क्या है। अब वो क्यों गए और क्या है वो वहां जाके ही देखा जा सकता है, और इसीलिए उस समय तो तिब्बत अपने आप में को अलग प्रदेश नहीं था, या चीन अपने आप में अलग प्रदेश, मानसरोवर तक और वो स्थान पूरे आसानी से व्यक्ति जा सकता था, आज भी जा सकता है। वहां पर मैंने उस मंदिर को देखा, उस पूरी गुफा को देखा, उनकी साधना पद्धति को देखा, और मैंने ये देखा कि वास्तव में हम न सही अर्थों में शिष्य हैं और न ही सही अर्थों में गुरु हैं। शिष्य तो अपने आप में जो अपनी अस्थि को मिटा देता है वह शिष्य होता है, और गुरु अपने आप में उसको अपने आप में लीन कर लेता है वह गुरु होता है। ऐसी उन लामाओं के पास में अद्भुत क्षमताएं हैं, और पूरे हिमालय में वो एक ही इस शिखर पर है और अपनी साधना से दूसरे शिखर पर है, तीसरे शिखर पर है, चौथे शिखर पर है, एक दिन में 1000 मील की यात्रा है, शाम को वापस लौट सकते हैं, लौटते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से मैंने 2 दिन पहले आपको अणिमा महिमा सिद्धियों के बारे में बताया, मगर मैंने एक बात विशेष रूप से देखी जो मैं आपको सामने बता देता था। वे लामा अत्यंत ही सौंदर्य प्रिय व्यक्ति हैं, रहते तो जटाओं की तरह, स्नान किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, 2-2 महीने स्नान नहीं भी करते हैं, और कर लेते हैं दिन में 20 बार भी कर लेते हैं। मगर मैंने ये देखा कि उनका सारा शरीर गौर वर्ण एक चमकता हुआ, और ऐसा लगता है जैसे शरीर में से कपूर की सुगंध आ रही हो, और निरंतर उस सौंदर्य के साथ रहते हुए सारे जीवन के भोग उनके सामने व्याप्त हैं। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र, उस घोर जंगल में और बर्फीले प्रदेश में भी वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से और अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे पलंग पर वहां उस गुफा में सोया हूं, और मैंने कहा कि ये कि आप जब यहां रहेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, यह तो सोर्सी भेज रही है। और सोर्सी वो क्या कह रहे हैं, उनका सोर्सी नहीं, सोर्सी तो हमारी प्रीतमा है, हमारी प्रेमिका है, और प्रेमिका के लिए धन्यवाद क्या देना है, प्रेमिका खुद उत्सर्ग करती है, उसको प्रेमिका कहते हैं, वो खुद उत्सर्ग करेगी, उसको हाथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है। बड़ा झटका लगा, मन का ये पहली बार साधना का बिल्कुल विभिन्न क्रम, ये कैसी साधना हुई, मैं तो पूरे जीवन में हाथ जोड़ जोड़ करके पूरी जिंदगी को पार करता गया, उनका कि ये तो खुद प्रेमिका का मतलब ही है उत्सर्ग करे, तुम क्यों हाथ जोड़ते हो, तुम काहे के लिए हाथ जोड़ रहे हो, वो पलंग लाएगी अपने आप बिछाएगी, तुम तो आनंद आनंद युक्त हो। मैं अपने आप को संयत करने में मुझे 24 घंटे लगे। मैंने कहा कि यह साधना है या भोग साधना है,
मगर भोग साधना है तो बंबई और दिल्ली और कलकत्ता में हो सकती है, इस बर्फीले प्रदेश में चारों तरफ से भोग साधना के क्या। मैं सोचता हूं कि उत्तम कोटि के व्यंजन और उत्तम कोटि के वस्त्र, उत्तम कोटि की साधनाएं, उत्तम कोटि का आनंद, और ठीक वैसा ही आनंद जो उनके जीवन में भोग होता है भोगते हैं, मगर फिर भी साधना में अपने आप में ही श्रेष्ठतम है। मैंने सुबह भी शंकराचार्य का एक श्लोक आपके सामने सुनाया कि सन्यासी जीवन में होते हुए भी उन्होंने षोडशी का जो रूप विन्यास का वर्णन किया है, ऊंचे से ऊंचा कामुक व्यक्ति भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने शंकराचार्य ने उस षोडशी के वर्णन में कहा है, अर्धम नीत्वा निशायाम सर्वसुषितायाम सखी नस्लथांग क्रोधभूतो मही तृष्णो मधुमति निरतो रम्य पृष्ठे विभुक्ते संभोग क्लांत क्लांताम शिथिर भुजलताम तर्जितम कर्करीतो ज्योत्ना भिन्नाच धारम पिबति न शरीरम सार्दम मंदभाग्य। उसने कहा कि अत्यधिक हे षोडशी, मैं तुम्हारी ही साधना में रत हूं, मगर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आधी रात हो, मैं बिल्कुल लेटा हुआ हूं, तुम मेरे सामने साक्षात उपस्थित हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य का पान करता रहूं, मैं तुम्हें टकटकी लगाकर देखता रहूं, तुम मुझे टकटकी लगाकर देखी हो और तुम मुझे अपने हाथों से ही शुद्ध स्वच्छ जल का ग्लास उस चांदनी रात में पिलाओ, ऐसा मैं तुमसे चाहता हूं। ये साधना है, ये कैसी साधना है। मगर शंकराचार्य ने अगर ये श्लोक कहा है तो जरूर उसके पीछे कुछ रहस्य होगा, और रहस्य यह कि व्यक्ति अपने आप में कितना संयमित रह सकता है, मैं ये बता रहा था। यह संयम की अपने आप में पराकाष्ठा है, और इतनी कि सैकड़ों गोपियों के बीच में कृष्ण निरंतर रासलीला खेलते रहे, और राधा को नहीं देखा तो व्याकुल होते रहे, तड़पते रहे, और जहां भी बैठे उनसे बिना बातचीत किए रुके नहीं। बिहारी ने कहा है कि जब राधा आई और अपने पिता वृषभानु के साथ में बैठ गई तो कृष्ण भी बैठ गए, कोई पंचायत थी, सभा थी, और इधर कृष्ण बैठ गए नंद के पास में। अब ठीक वो बिचारी वहां बैठी, यहां नंद, वो नंद के साथ में वो बैठे, अब नंद पास में बैठे, दूसरे गांव के बड़े बूढ़े बैठे। अब उन्होंने की कि भाई हमें इस गोकुल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस गांव को क्या करना है, कैसे उन्नति करनी है। कृष्ण ने सोचा सारा ये तो बेकार है, अब यहां क्या करना है, अब करना है तो तुम करो मुझे। उसने राधा को कैसे कह गई, तू चल अब ये बेकार है, यहाँ अपने यमुना तट पे जाकर के कुछ मैं बांसुरी बजाऊंगा, तू नाचेगी, ऐसा कुछ कर, ये बुड्ढे दो ढाई घंटे उस गोकुल को लेके बैठे रहेंगे। अब कहे कैसे, उठे तो नंद के बैठे बैठे वो फिर बैठ गए। नंद सोचे कि मेरे बाद में ये पूरे गांव को, क्योंकि सरपंच थे वहां के बड़े थे। फिर कृष्ण उठने की कोशिश की, फिर ये सारा तो बड़ा फंस गए। अब उसने, और वो बैठी 20 फीट दूर 40 फीट दूर, तो बिहारी कह रहे हैं कि कहत नटत रींजत खिलत हिलत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। उन्होंने कृष्ण कहा कि आंखों से बोलने की जरूरत नहीं होती, ओठों से शब्द निकलते ही नहीं, ओठों से बातचीत नहीं हो सकती, प्यार की बातचीत और प्यार जैसा चीज पूरे संसार में एक तरीके से ही होता है, उसके अलग अलग रूप है इन। और आंखों में जो प्यार की भावना हिंदुस्तान में जैसी, वैसी अंग्रेजों में, अमेरिका में, अफ्रीका में एक ही जैसी भावना आती है आंखों में, एक ही सरूर जैसा आता है, एक ही तरह से इशारे होते हैं, एक ही तरह से चितवन होती है, इसके लिए दूसरी परिभाषा ही नहीं है। जो आज से 5000 वर्ष पहले कृष्ण के टाइम में थी वो आज भी है, और हमारे अगली 25वीं पीढ़ी के बाद में वही होगी, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ सकता। तो उसने कहा कहत, चलो खराब है इसे बैठे, वो मना कर रही है आंखों से, नहीं नहीं रिंजत जो कुछ तुम चलो ना इसमें, अब साला वो गया तो हो गया, खिंजत तुम पागल हो, बार बार कह रहे हो को देखेगा, कहत नटत रिंजत खिंजत हिलत, क्या कर रही हो, ये बुड्ढों के बीच में बुड्ढे हो जाएंगे अपन, मिलत लजियात, और वो लाज से अपनी आंखें झुका दी। इसका मतलब है कि लज्जाम स्वीकृति लक्षणम, जब स्त्री लाज करने लग जाए समझना चाहिए हां, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मैं ये कह रहा था कि कृष्ण ऐसा व्यक्ति जिसने केवल रासलीलाएं खेली, और वह जब रवाना हुआ गोकुल से मथुरा की ओर,
जब अक्रूर उसको लेने के लिए आए, उद्धव उसको लेने के लिए अक्रूर आए, तो रथ पर बैठे पीछे मुड़ के गोपियों को देखा ही नहीं, रवाना हो गए, क्योंकि किसी प्रकार से उनको वासनात्मक अटैचमेंट था ही नहीं। ऐसा सैकड़ों गोपियों के बीच भी योगी राज के रूप में कृष्ण रह सकता है, जिसको कहता हम योगम मंदे कृष्णमतम। कृष्ण तो पूर्ण योगी के भी योगी हैं, और कृष्णम मंदे जगत गुरुम, वो पूरे संसार के गुरु हैं। क्या इतनी स्त्रियों के बीच में रहकर के भी क्या वो गुरु पद रह सकता है? आज का गुरु तो अगर किसी स्त्री से अलग से बात कर ले तो अरे भाई क्या हो गया, बात कर ली, मैं उससे बात कर रहा हूं तो उसमें यस गुरु जी सब समझ रहे हैं सर। क्योंकि आप तो बहुत ही एम ए पीएचडी है इस फील्ड में, और हम अनाड़ी हैं। अनाड़ी ये है कि आप बात करते हैं तो कमरे वमरे बंद करके अलग ढंग से बात करते हैं, हम खुले में बात करते हैं, भाई क्या समाचार है, ठीक ठाक हो, और वो कोई तीसरा आ जाए तो चुप हो जाते हैं। अब क्या देखो बात कर रहे थे कुछ चुप हो। मैं वास्तव में अपने शिष्यों को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं कि बहुत ही श्रेष्ठ जन हैं, मगर इतने इतने सौंदर्य के बीच में भी जो संयमित रह सके वो सही अर्थों में लामा साधना कर सकता है। मैं लामा साधना की प्रारंभिक स्टेज बता रहा हूं, वह कर सकता है जिसकी आंख बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसकी जबान बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसका हृदय बिल्कुल स्पष्ट हो, और जब स्पष्ट है तो फिर उसके ऊपर दाग और धब्बा नहीं लग सकता। उस लामा साधना को सुबह, एक बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, मैं सुबह बताया था कि उस षोडशी की साधना जीवन की एक आवश्यक साधना इसलिए है कि उसके माध्यम से ही हम जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त अपने प्रयत्नों से संभव नहीं है, वह पूर्णता प्राप्त संभव नहीं है। हो सकता है कि तुम एक तरफ से 25,000 रुपए इकट्ठे कर लोगे तो बेटे कपूत हो जाएंगे, बेटों को संभालोगे तो पत्नी बिफर जाएगी, पत्नी को बिल्कुल संभालोगे तो शरीर विद्रोह करने लग जाएगा, बीमार हो जाएगा, शरीर को आप संभालोगे तो पड़ोसी आलोचना करने लग जाएंगे, अगर एक तरफ से खींच दे तो दूसरा टूट जाएगा। जीवन का पूर्ण आनंद नहीं आ सकता। जीवन का पूर्ण आनंद जब किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भ्रम नहीं हो, दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसा षोडशी साधना के माध्यम से ही संभव है। उससे पहले, षोडशी साधना से पहले मैं अत्यंत ही तनाव में रहता था, पूरे सन्यासी जीवन में भी इनका क्या होगा, इस जीवन का कैसे होगा, घर पे पत्र लिखा ही नहीं है, पत्नी का क्या होगा, वो तो केवल बेचारी 12-13 साल की थी, उसके क्या उसके बाद में क्या स्थिति है, ऐसे चिंतन आते रहते थे। मैं षोडशी के बाद में समझा कि वास्तव में जीवन में पूर्ण आनंद और पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती है केवल एक षोडशी साधना के माध्यम से, जिसको मैंने विराट षोडशी साधना कहा है, और वह लामा साधना के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जो मैंने आपको यंत्र दिया है, जो मैंने आपको माला दी है, वह यंत्र अपने आप में अत्यंत मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए कि यदि हम उसको समझ सके, यदि हम समझे ही नहीं, यदि हम केवल आलोचना ही प्रिय हैं, तो हम जीवन में कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते, क्योंकि वह वस्तु अपने आप में अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए कि वह वस्तु मैंने आपको दी, इसलिए मूल्यवान है। मैंने सुबह ये बताया था कि शाम को मैं इसका पूजन करवाऊंगा, मैं आपको पूजन करवा देता हूं, मगर पूजन करने से पहले आपको 5 बातें उस लामा साधना के बारे में समझ लेनी चाहिए, तभी आप इस साधना को करेंगे। मैंने ये बताया केवल एक रात में ही आपको अनुभव हो जाएगा, मैंने आपको 5-25 साल का नहीं बताया। यदि उसकी क्रियात्मक पक्ष बिल्कुल सही हो, और बिना क्रियात्मक पक्ष के उसमें अनुकूलता आ ही नहीं सकती। इसके लिए, इस साधना के लिए व्यक्ति अपने अनुकूल और आनंद प्रिय वस्त्र धारण करके बैठे। यदि गृहस्थ है तो बिल्कुल धोती कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट, अगर पहनी है जैकेट, और ऊपर इत्र का फुहारा लगा करके, और बालों में सुगंध तेल लगा करके, आंखों में सुरमा लगा करके बैठे।
अगर सुरमा लगाना आपको बहुत अच्छा, ऐसा जिसमें आप दूसरों को रिंझा सकें। मैं मुंबई की घटना आपको एक बार सुनाई थी। मैं एक बार, आज से करीब 15-14 साल हो गए, उस समय मुंबई से मैं बहुत अधिक परिचित नहीं था, मुंबई मुझसे परिचित नहीं थी, ज्यादा नहीं थी। और मेरा बहन का लड़का था, वो बहुत ही बीमार हो गया, तो उसको मुझे जसलोक हॉस्पिटल में दिखाना था। तो जसलोक के जो मालिक हैं वो सिंधी हैं, उसका नाम है लोकुमल और उनकी पत्नी का नाम है जसोदा, तो जसोदा से तो बन गया जस, लोकुमल से हो गया लोक, इस प्रकार से उसका नाम पड़ा जसलोक। वे लोकुमल जी परिचित थे, मैंने उनको पत्र लिखा पोस्ट कार्ड की मैं उनकी चिकित्सा करवा रहा हूं, पर मेरे पास इतने पैसों की व्यवस्था नहीं है कि मैं जसलोक में मैं इलाज करवा सकूं। उनका कि गुरुजी आप आ जाइए, आप चिंता मत करिए। खैर मैं उनको लेके गया। अब रहने की, अब तो कई शिष्य हो गए, अब तो कहीं भी रह जाए, और उस समय रहने की प्रॉब्लम थी, तो एक सारे अपने पोथी पत्रे टटोले, तो एक एड्रेस मुझे मिला कि भाई ये मुंबई में रहने वाले। तो मैंने उनको लेटर लिखा, मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे, इलाज में 5-7 दिन लग सकते हैं और कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो आपके यहाँ ठहरेंगे। उनका बेचारे का तुरंत जवाब आया कि गुरुजी आप आ रहे हैं, मेरी बड़ी कृपा है, आप पधारिए, मेरे घर में रुकिए, मगर हम तो फ्लैट में रहते हैं, 2 कमरे हैं गुरुजी। हमने कहा 2 हैं तो 2 सही, अपन को तो रहना ही है 4-5 दिन। मैं और अपनी बहन और उस भांजे को लेकर के मुंबई चला गया और उस व्यक्ति के यहाँ ठहरा। वो व्यक्ति, 2 कमरे थे, 1 कमरे में उनके सामान वामान और सब, पत्नी वगैरह बच्चे वगैरह उसी कमरे में सोते थे, 1 कमरे में वह खुद भी सोता था और अपना एक साधना कक्ष, छोटा सा कमरा, छोटा सा एक अलमारी सी थी उसमें बना रखी थी। मुझे कहा गुरु जी आप यहाँ सो जाइए, मैं और वो उनकी वाइफ के पास, मेरी बहन सो गई, भांजा सो गया, मैं वहां सो गया। रात्रि को करीब 3:30 या 4 बजे होंगे कि जोरों से आवाज आई, मेरी नींद बहुत ही तुरंत खुल जाती है, यदि थोड़ी सी आहट होती है तो मैं आंख खुल जाती है मेरी, और आंख खुलते पूर्ण चैतन्य बन जाता हूं कि क्या स्थिति है, सर 2 मिनट में आंख मसला और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसने आवाज आई तो मैं तो जमीन पर लेटा हुआ था, उस 10x10 के कमरे में पलंग और कहां से खाट आएगी, तो जमीन पर लेटा हुआ था, तो मैं आंख खोली तो एक औरत बैठी। मैंने कहा कि मैं सोया था तो औरत थी नहीं, ये औरत कहां से आई? मैंने कहा आई होगी। और मैंने कहा कि या तो कोई शोर सी साधना ही नहीं, न रात को शोर सी साधना की, ये शोर सी आई कहां से, और रात को 3 बजे। और वो कहे अच्छा अच्छा, प्यार करेगा, प्यार करेगा, कर ले प्यार, कर ले प्यार, आया नहीं तो आया नहीं, तू चित छोड़, तू चित छोड़, तू रात को नहीं आता, तू रात में, मैं रात में इंतजार करती हूँ रात में, हाय रे हाय रे। अरे मैंने कहा सर 3 बजे, हाय रे हाय रे। अब मैंने कहा अब उठो मत, अपन पड़े रहो, अब पड़े पड़े देखो तो सही है कि ये रात को 3 बजे किसको बुला रहा है, कहा सामने को दिखाई नहीं दे रहा है, कमरा तो इतना ही है। अपन भी थोड़ी आंख बंद किए, वापस पांव पसार के लेट गए, आंख थोड़ी सी खुली रखी। मैंने कहा भाई अब देखें। फिर उसने कहा कि तो नहीं आएगा, तो नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, तो मेरे दिल की पाती कब सुनेगा, तो दिल की पाती कब सुनेगा। 1 बार 2 फिर अपनी चूड़ियों को खनखनाया, फिर पैरों के जांजर को खनखनाया, फिर सीने को खनखनाया, फिर बैठ गई। आवाज मर्दन, बातें जनानी। अरे मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल एक नवीन तथ्य, भाई औरत की आवाज तो होनी चाहिए, तो चलो जिंदगी में ये तो है भाई, कमरे में एकदम से रात को कोई औरत एकदम से आ सकती है सर, ये तो आवाज बिल्कुल मर्दानी। मैंने कहा अब क्या करें, कुछ इस गुत्थी को, इस साधना के रहस्य को समझे तो सही, कि जीवन में इतना संन्यास जीवन ले लिया, इतने भटक गए, ये सारी साधना ही समझ नहीं आई। ये कैसे 3 बजे उठ करके कैसी साधना है। हम फिर भी थोड़ा सा आप ऊपर के ओढ़ने का था, थोड़ा एक तरफ किया, थोड़ी आंख खोल के देखी, तो उसने कहा कि कल तू कितना अच्छा था, कल तेरा चेहरा कितना अच्छा था, मैं तुमसे लिपटी थी तो कितनी सुंदर लगती थी, हाय रे हाय, ओ हो हा, मेरी सिस्कारियां बंद ही नहीं हो रही।
मैंने कहा कि ये साधना अपन को समझनी पड़ेगी, ज्ञानदत्त अब उठना पड़ेगा और ये चीज अलग है, ये एबनॉर्मल चीज है। मैं बैठ गया पीछे, बिल्कुल आवाज किए, थोड़ा सा आगे पलटा तो मूछें मूछें उनकी पूरी लगाई हुई और यहाँ बाल गूंथे हुए, यहाँ बिंदी लगाई हुई, काजल या झुमके डाले हुए, हाथ में चूड़ियां, यहाँ करदनी घाघरा पहना हुआ, ऊपर ओढ़ना ओढ़ा हुआ, यहाँ कंचुकी पहनी हुई, पैरों में झांझर। हाय रे हाय, तू आया ही नहीं, कहाँ गया रे कहाँ गया, तू ये क्या कर रहा है, तू क्या कर। अब आप कल्पना करो कि सोड सी सुंदरी के मूछें आई हुई हो, तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मैंने कहा कि ये सारा कैसा बंबई नगरी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं क्या? मैं तो जिंदगी पहली बार मुंबई को देखा, मैंने जिंदगी में आना ही नहीं बंबरी, ये सारा मुंबई में ऐसे कैसे लोग हैं, रात को कुछ और हो जाते हैं, दिन को कुछ और हो जाते। और उसके बाद मुंबई गया तो मैंने चौबे वौबे को ढंग से देख लिया कि भाई क्या है, वैसे ही है कि ये कुछ खेल अलग ही करते हैं। फिर भी मैंने बैठा, बैठ करके उनके थोड़ा सा सरक करके वो यूं बैठा था और सामने ये कृष्ण की मूर्ति, वो चित्र लगा हुआ और उसकी तरफ वो टकटकी लगा करके देखे, कितना सुंदर है। हाँ, सारी रात 3 बज गए, तू अभी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, दरवाजा खोलूं तो खोल देती हूँ, आजा तू आजा, तू आया ही नहीं, आया नहीं, मैं मर रही हूं। मैं उनके पास में जाकर बैठा था, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे, वो अपनी उसी रिंझाने में, और फिर उसके बाद में खड़ा हुआ और खड़े हुए उसने नाचना क्रिया शुरू की, हाथ हिलावे और घाघरा पूरा घुमावे और फिर ओढ़ने को सरक जावे, फिर ओढ़ना ऊपर लावे, फिर ओढ़ने को नीचे लावे, 4-6 बार उसने यूं। नानदत्त अपन सूर्योदय तक तो यही रुकना जरूरी है अपन को, और कोई रास्ता ही नहीं, ये साला कमाल है। अब मैंने अपने जितने पोथी पत्रे थे, वेद पुराण उपनिषद विश्वामित्र साधना वशिष्ठ साधना, ऐसी साधना कहीं दिखी नहीं। मैंने कहा सर ये क्या साधना है, कहां से साधना आई कहां से। खैर उसने वो घंटे भर तक उसको पायल घुमाती रही और घूमता रहा और नाचता रहा, चूड़ियां खनकाती रही और तू आएगा नहीं, तू आएगा नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, मेरी सारी कंचुकी भीग गई, रोते रोते मेरा हाल बेहाल है, तू मेरे दिल की धड़कन कब समझेगा, तू आता ही नहीं, और मैं तुझे लेके रहूंगी और मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं तेरे साथ भाग जाऊंगी, तू आ जा चिपचो। खैर उसके बाद में नहीं आएगा, अब देख लिया अब तो नहीं आएगा, खैर कल तो आएगा ही आएगा, कहां जाएगा। अब यूं करके बैठ, मैंने उसको घुटने को टच किया, मैंने कहा भैया गुरुजी, मैंने कहा वो तो सही है, क्या कर रहे हैं ये गुरुजी, ये मेरा प्यार है। मैंने कहा कहाँ है, ये सामने बैठा, पर मैंने कहा तुम कौन हो, कहे मैं तो राधा हूं, पर मैंने कहा राधा के तो मूछो नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी अब क्या कर रहे हैं, अब ये मूछों को क्या करे, मगर प्यार में मूछे मुझे कुछ चिंता नहीं गुरु जी, बस मैं राधा संप्रदाय को मानता हूँ, उस साधना को करता हूँ। मैं राधा संप्रदाय में क्या होता है, कि राधा संप्रदाय में गुरु जी खुद राधा बनती हूँ, मैं रोज बनती हूँ राधा रात को, और रोज रात को रोज चित्तौर को दी जाती हूँ, सब कुछ कह चुकी हूँ गुरु जी, सब कुछ अपनी तरफ से ऑफर करने में कोई कसर बाकी, ये साला आता ही नहीं। और गुरुजी आप नहीं समझते मेरे दिल की धड़कनों को, आप नहीं समझेंगे गुरुजी, आपने कभी ऐसा प्यार किया, मैंने कहा नहीं किया, तो आप समझेंगे भी नहीं गुरुजी, ये तो दिल की धड़कने की आवाज, मुझे बिल्कुल उपदेश दे, ये आवाज गुरुजी चोट करती है गुरुजी, बहुत गजब की। मैंने कहा वो तो होगी, चोट होती होगी, ये मैं देख रहा हूँ घंटे भर से देख रहा हूँ, मगर चोट बहुत भारी है। खैर उसने वो अपना सारा बेचारा ने फिर उठा, फिर ओढ़ना उतारा मेरे सामने, फिर कंजुकी खोल के उतारी, फिर घाघरा उतारा, सब उतार करके फिर अपना कच्चा वच्चा पहन करके और पाजामा वाजामा पहन कर, हाँ गुरु जी अब आप बोलो, नहीं अब कुछ बोलना नहीं, अब सबको समझ में आ गए, अब कुछ बोलना नहीं। सुबह उसकी पत्नी चाय वाय लेके आई, हे गुरु जी ये दिन को अपने काम पे लगे थे, सारी रात चीखते रहते हैं गुरु जी, मुझे नींद लेने मेरे पास एक मिनट भी नहीं आया पूरी जिंदगी में गुरु जी, एक बच्चा नहीं है मेरे, आपको देख लो, अब ये रोज तू आ जा, अब गुरु जी मैं क्या करूं, आप कुछ तो समझाओ गुरु जी, हम बंबई में, मैं तो दुखी हो गई। मैंने कहा कि कमाल हो गया ये तो मैंने उसको, मैंने कहा भाई तू शादी की नहीं, कर दी गुरु जी, फिर
शादी करने के बाद उसने कहा गुरुजी टाइम ही नहीं मिलता, दिन को मैं अपना काम करता हूँ, रात को प्यार को बुलाता हूँ और वो आता ही नहीं, मगर आएगा जरूर गुरुजी, जरूर आएगा, ये तो मेरे दिल की आवाज है और मैं जानता हूँ वो जरूर आएगा, और आएगा तो फिर मैं ऐसा करूंगी फिर वैसा करूंगी। वो आधे घंटे तक वो चाय के प्याले के साथ अपना भजन मंडल पूरा करता रहा। ऐसी साधना भी सोर्स की जा सकती है यदि आप चाहें तो, मैं यूं कह रहा हूं, अपने आप को पूर्ण लीन क्रिया करने के साथ। मगर अपने आप में तटस्थ रहते हुए, निर्विकल्प, किसी प्रकार का उसके मन में विकार नहीं हो, मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो, और जो उद्वेग को जीत सकता है, मन के विकारों को जीत सकता है, वो ऐसी साधना कर सकता है। और ऐसी साधना करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि वह सारे भोग आपके सामने हैं, सभी प्रकार के, मैंने वहां उनको, उन लामाओं को जो अपूर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, 5-7 बैठ जाते हैं, उसने कहा अब नृत्य देखेंगे, नृत्य हाँ, और बिल्कुल पायल की झुनझुन और आवाज वो आती है, और उसके बाद में 2 मिनट बाद आपकी साधना में लीन हो जाते हैं, बिल्कुल अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की समाधि। 2 सेकंड पहले वो श्रृंगार का नृत्य देख रहे और 2 घंटे बाद में लीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ सकती है जब व्यक्ति अपने आप में संयमित होता है, और संयमित हो सकता है यदि निश्चय कर ले। इसके लिए कोई साधना नहीं होती, आदमी को अपने आप में एक निश्चय दृढ़ता और क्षमता आनी चाहिए। और मैंने सुबह बताया था कि इस साधना के लिए दृढ़ निश्चय हो, एक दूसरा वह सौंदर्य युक्त हो और सौंदर्य की परिभाषा जानता हो। मैंने सुबह भी बताया कि एक बहुत डाली पर खिले हुए गुलाब को देख करके घंटे भर तक गुलाब के फूल से जो बात करने की कला जानता है वह सौंदर्यशील व्यक्ति है। सौंदर्यशील का मतलब यह नहीं होता कि दुबला पतला हो या बहुत मोटा हो या बहुत चिकना चेहरा हो या रफ चेहरा हो, यह कुछ वैल्यू नहीं रखता। जो उस गुलाब के पुष्प से बैठा बैठा एक घंटे भर तक बात कर सकता है, नदी की गुनगुन की उस बहती हुई लहरों को मतलब संगीत की तरह सुन सकता है, जिसका हृदय कमल खुला हुआ है, वह ऐसी साधना कर सकता है। और तीसरा मैंने बताया कि क्रोध मुद्रा के माध्यम से ही साधना करनी चाहिए, वीरासन में बैठ करके और क्रोध मुद्रा हो। वीरासन, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों पांव पीछे मोड़ करके जो बैठ जाते हैं वह वीरासन कहलाता है, और क्रोध मुद्रा, पांचों उंगलियों को पूरी तरह से फैला करके और घुटनों के ऊपर रख करके और पूरी आंखें खोल करके इस साधना को संपन्न की जाती है। केवल आप 1 घंटे भर की साधना करिए, केवल 2 घंटे की साधना करिए, आपको निश्चय ही इस प्रकार की ध्वनियां, इस प्रकार की दृश्य गारंटी के साथ दिखाई देंगे ही। पूरी साधना का तो अपने आप में एक अद्वितीय है, मगर 1 घंटे 1.5 घंटे की साधना मंत्र जाप के माध्यम से ऐसा संभव है। 3 तथ्य, वीरासन हो और पूरी क्रोध मुद्रा हो, क्रोध मुद्रा में 5 उंगलियां बिल्कुल खुली हुई हो और हथेली नीचे की ओर हो, और आंखें बिल्कुल पूर्ण रूप से खुली हुई जैसे कि क्रोध किया हुआ हो। 4था, अपने सामने जो लामा से प्राप्त जो यंत्र है वह यंत्र अपने सामने हो, 3 वस्तुएं, जो माला है उस माला को मंत्र जाप इसमें करने की जरूरत नहीं है, उस माला को रख करके माला का जितना घेरा बने उस घेरे के बीच में उन दोनों वस्तुओं को रख देनी चाहिए। ना पीले आसन की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, न धूप की जरूरत है, न दीप की जरूरत है। और 5वां, इस साधना में जब सफलता मिले, क्योंकि इस साधना को संपन्न करने में या तो 1 दिन की साधना है या 14 दिन की साधना है। 1 दिन की साधना का तात्पर्य है जहां आप अदृश्य रूप से दुनिया सुन सकते हैं, 14 दिन की साधना का मतलब है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उनको देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे बात करते हैं। मगर आप में
पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, पूर्ण क्षमता के साथ आप साधना करें, क्योंकि मंत्र अपने आप में अत्यधिक चैतन्य मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है, और इस तीव्र मंत्र के माध्यम से उस वातावरण में उस सौंदर्योत्तमा को सामने प्राप्त किया ही जा सकता है। इसके लिए पांच ही नियम हैं। और प्रश्न उठता है कि पुरुष इस साधना को तो करे, क्या स्त्रियां भी साधना को कर सकती हैं? यदि स्त्रियां अत्यधिक सौंदर्य युक्त बनना चाहती हैं तो यही एकमात्र साधना है जिसके माध्यम से अनिंद्य सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र में आपको लिखवा देता हूं, यह षोडशी मंत्र है जिसके 16 अक्षर हैं। मैंने सुबह बताया था कि जो 16 साल की है वह षोडशी है, जो हमेशा 16 साल की ही रहती है, आज से 25 साल बाद भी षोडशी ही रहेगी। और षोडशी की पहचान यह है कि जिसका पूरी तरह से बचपन गया नहीं हो और बचपन धीरे धीरे जा रहा हो और यौवन दबे पांव आ रहा हो, ऐसी स्टेज को षोडशी कहा गया है। शास्त्र में पूरा वर्णन है कि षोडशी का तात्पर्य क्या है। 20 साल के बाद तो पूरा यौवन ही आ जाता है, भड़बड़ाता हुआ, आवाज करता हुआ, चीखता और चिल्लाता हुआ, मगर 16 वर्ष में बचपन पूरी तरह से जाता नहीं और पूरी तरफ से धीरे धीरे यौवन आता है, जिसके चेहरे पर एक भोलापन है, एक सहज मुस्कान है, वह सौंदर्य की परिभाषा दी है षोडशी की। मैं उस महाविद्या षोडशी की बात कर रहा हूं जो 16 श्रृंगार युक्त रहती है हर क्षण। जिसकी साधना के 16 अक्षर हैं, और इस मंत्र को निरंतर बिना विश्राम किए मंत्र जाप करना है, एक पूरा चक्र ले लेना है, इस मंत्र को रिपीट करने का ये मूल चिंतन है। जैसे आप गायत्री मंत्र ओम भूर्व स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, यहां बीच में आपका अंतराल है, इसमें अंतराल नहीं होता, और प्रचोदयात ओम भूर्व स्वः फिर रुकते, इसमें कुछ नहीं, इसका एक पूरा वातावरण, एक पूरा चैनल बननी चाहिए। उस मंत्र का जहां समाप्त होता है वहीं प्रारंभ होता है। इस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए। कितना करें, मैंने कल आपको सतोपंथ दीक्षा दी है, और सतोपंथ दीक्षा में यदि आपने उस टेप को सुने, ये चौहान ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उसने जितने भी मेरे प्रवचन हैं उन सबको उन्होंने टेप कर दिया है, और वह जो साधना का जो क्रम है जो उसने टैप किया है, मैं सोचता हूं कि पूरे विश्व में अगले 500 वर्षों तक भी वह चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती और किसी स्थान पर। यदि आप उस टैप को कहीं सुनाएं, किसी गुरु के पास, किसी योगी के पास, किसी सन्यासी के पास, यदि ये जानकार है तो आपकी तरफ आश्चर्यचकित रूप से देखेगा, और ये नई जानकार है तो अचंभित होगा कि क्या इस प्रकार से पूर्ण मंत्र और इस प्रकार से विन्यास होता है कि द्वार के बाहर दोनों देवताओं को स्थापन किया जाता है, द्वार के अंदर दोनों देवताओं को स्थापन किया जाता है, अपने प्राणों को बाहर लिया जाता है, और मैंने कल आपके समस्त पापों को प्रज्वलित करके, जला करके ही इस साधना को प्रारंभ करवाया था। ये अलग बात है कि उसके बाद आप मन वचन और कर्म से कितने पवित्र रह पाते हैं और कितना और दोष अपने ऊपर लादने की क्षमता है वो अलग बात, क्योंकि बाद में फिर आपकी तो प्रवृत्ति आदत स्वभाव वैसा ही है। इसलिए निर्मल रहने की क्रिया होनी चाहिए, इसलिए मैं इस साधना को आपके सामने रख रहा हूं। ये साधना जो पैकेट आपने लिया है यहां भी साधना कर सकते हैं, ये साधना आप घर पर जाकर भी कर सकते हैं यदि चाहें तो, या पैकेट कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर साधना का क्रम और तरीका यही होगा। इसकी एक सिटिंग में उन्होंने कहा है कि
ढाई प्रहर तक मंत्र जाप करे। एक प्रहर 24 मिनट का होता है। प्रहर की तीन परिभाषाएं हैं, प्रहर के तीन अर्थ हैं। एक तो चार प्रहर का मतलब है पूरी रात को चार भागों में बांट लेना, उसको भी कहते हैं पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, चौथा पहर। और ज्योतिष की दृष्टि से एक प्रहर 24 मिनट का होता है, इसका मतलब 24 2 48 12 60 एक घंटे की साधना है। एक घंटा अवेयरनेस कंटिन्यूस उस मंत्र जाप को करें, और यह बहुत ही इजी और संभव है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक घंटे तक आप बोल सकते हैं अगर निश्चय कर लें कि नहीं मैं उसके पहले हिलूंगा नहीं, निष्कंप भाव से करूंगा ही, और इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई दोष भी नहीं है। मगर एक घंटे के बाद गारंटी के साथ आपके सामने बिंब स्पष्ट होने लग जाएंगे, वह दृश्य षोडशी का दृश्य, जैसे आपके सामने बहुत ही सजी हुई सुंदर एक षोडशी बैठी है, बातचीत कर रही है, खड़ी है, उसकी सुगंध महसूस कर सकेंगे कई भी तरीके से। अनुरक्त करने का मतलब है रोज एक माला मंत्र जाप, चाहे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 24 मिनट या 12 मिनट या 6 मिनट, उसी क्रम से। मंत्र के अक्षर में लिखवा देता हूं, इस मंत्र के तीन वर्ण छेद हैं, तीन वर्ण छेद का मतलब है तीन अनुस्वार हैं, तीन जगह आपको म की ध्वनि के साथ बोलना है, बाकी कहीं पर भी कोई अलग ध्वनि नहीं है, क्योंकि स्वर या केवल व्यंजन अपने आप में सीधा ही स्वर, क को हम क ही कहते हैं, मगर क हमेशा कंठ से बोला जाता है, क ख ग घ ड, ये कंठ के बिना आप कंठ को पकड़ लें ये आवाज, ये पांच अक्षर नहीं निकाल सकते, च निकाल सकते हैं, बाकी अक्षर निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। और च छ ज झ य दांतों से ही बोला जा सकता है, अगर दांत जिसके नहीं होते वो सही ढंग से च नहीं बोल सकते। और प फ ब भ म के लिए अनिवार्य है कि आपके दोनों ओठ मिलें, बिना ओठों को मिलाए आप प फ ब बोल ही नहीं सकते। क बोल सकते हैं, च बोल सकते हैं, दूसरे कोई भी व्यंजन बोल सकते हैं, प फ ब भ म एक ही लाइन के पांच अक्षर, ये एक विन्यास है। इन शब्दों के पीछे भी एक पूरा चिंतन है कि कौन सी ध्वनि कहां से बोली जाए। इसलिए अब आप इस कंफ्यूज में मत पड़िए कि यह क मेरा कंठ से निकल रहा है कि कहां से निकल रहा है, गुरुजी ने कंठ मंठ बता दिया सारा, ये बीच में अड़ंगा डाल दिया, बाकी सब गुरुजी बता, बीच में अड़ंगा जरूर डाल देते, मैंने अड़ंगा डाला नहीं है, मैंने तो ये बताया है कि क तो कंठ से ही निकलेगा और कहीं से निकल ही नहीं सकता। और यदि आपके दांत नहीं हो तो फिर मैंने तो आपको सौंदर्य युक्त बनने के लिए कहा है कि आप पूरे रसिक बनकर के ठीक उसी प्रकार से साधना करें जैसा मैंने बताया है, मस्ती के साथ। घरवाले भी देखें आपके बच्चे बच्चे तो मालूम पड़े कि कुछ सीख के आए हैं, नहीं तो उनको मालूम ही क्या पड़ेगा कि अब पिताजी अब बिल्कुल सही है, फिट, अब इनको सीधा या तो पागलखाने में डालना पड़ेगा या जंजीरों में जकड़ना पड़ेगा, ये साला क्या हो गया। और गारंटी के साथ हफ्ते भर में तुम्हारी पत्नी का पत्र मेरे पास आ जाएगा कि गुरुजी किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको, हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये घाघरा ओढ़ना पहन पहन के क्या कर रहे हैं आप, आपको पूर्ण, मैंने कहा कि आपको पूर्ण पौरुष युक्त बैठना है मिस्त्री के साथ। और आसन कुछ भी हो, दीप कैसा ही हो या नहीं हो, अगरबत्ती हो या नहीं हो, दिशा कौन सी, इसमें कुछ नहीं, इसमें केवल इन वर्णों को कंटिन्यूस बोलने की क्षमता है बस, खत्म। और वे दोनों यंत्र आपके बिल्कुल सामने हो, क्योंकि उस यंत्र की टंकार और ध्वनि आप गारंटी के साथ सुनेंगे ही। कहां सुनेंगे? जब आपका उस पूरे 24 मिनट के बाद आवाज बिल्कुल उस यंत्र में से सुनेंगे ही, ये गारंटी है, क्योंकि तीन वर्ण है, इसमें भी तीन वर्ण है, तीन जगह म की ध्वनि है, और इस पूरे घंटे में भी 24 मिनट के बाद पूरी आवाज आएगी ही, जहां निस्तब्धता होगी, जहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, तो हम आवाज सुन सकेंगे। इसलिए क्रोध मुद्रा में बैठ करके नेत्रों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से वीरासन में बैठते हुए इस मंत्र जाप को करना है। मंत्र में अपने गुरुमुख से बोलना चाहिए, इसलिए सुना लेता हूं, बाकी आप बोर्ड पर देख ले। एं ल रीम
स क ल व एं ल क स रीम प न रीम। इसमें तीन रीम है, मैंने बताया कि तीन इसमें वर्ण विन्यास है। जब मैं अगर इनके एक एक अक्षर को अगर आपके सामने व्याख्या करूं तो प्रत्येक अक्षर एक सौंदर्य की परिभाषा को स्पष्ट कर रहा है। और शंकराचार्य ने अपने 51 श्लोकों में प्रत्येक अक्षर को लेकर के बताया है कि काजल अगर लगाया जाए तो कैसे लगाया जाता है, काजल का मतलब और तात्पर्य क्या है। अब उसके गूढ़ार्थ फिर और अलग है। खैर, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए और इस मंत्र के माध्यम से ही हमारे राजस्थान में एक दोहा है और दोहा यह है कि सिंह गमन, शेर जिस रास्ते से जाता है पीछा नहीं मुड़ता, शिकारी सामने आता है तो शिकारी के ऊपर झपट्टा मार के आगे निकल जाता है, इसलिए शेर है। गीदड़ मुड़ करके भाग जाता है, कुत्ता मुड़ के भाग सकता है, शेर नहीं भागेगा। बंदूक लिए आप सामने खड़े हैं तब आपके ऊपर से छलांग लगा के ही जाएगा वो। सिंह गमन सुपुरुष वचन, भला आदमी एक बार बोल दिया तो एक बार ही बोलेगा, दूसरी बार नहीं बोल सकता। और कदली फले एक बार, तिरिया तेल अमीर अठ चढ़े न दूजी बार। दूसरी बार तो मंत्र बोलूंगा ही नहीं, एक बार बोल दिया, अगर मुझे सुपुरुष रहना है तो एक बार ही बोलूंगा, बाकी तो बोर्ड पे आप देख लेते। मैं सोचता हूं कि यह आपके जीवन की एक अद्वितीय साधना है, क्योंकि इसलिए अद्वितीय साधना है कि यदि हम आगे का पूरा जीवन आनंद के साथ व्यतीत करना चाहें, यदि आप रोग युक्त, अभाव युक्त, दुख युक्त, वेदना युक्त करना चाहें तो वो जीवन आपका चल रहा है, मगर आनंद युक्त जीवन व्यतीत करना चाहें तो इस और कोई कठिन साधना नहीं है। एक घंटा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 14 दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और एक दिन में ही आपको यदि आवाज स्पष्ट सुनाई देगी ही, गारंटी के साथ देगी ही, क्योंकि ये सारे यंत्र पूरे लामा वामांग के उस साधना से सिद्ध है। इस प्रकार से सिद्धिप्रद यंत्र बन नहीं सकते, बनाए नहीं जा सकते। अब यों तो आप किसी भी चीज को किसी भी रूप में कह सकते हैं। मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके ओठों पर वैसे ही शब्द होते हैं। यदि आपके कहीं फ्रॉड है मन में तो आपके ओठों पर फ्रॉड होगा कि सब कुछ फ्रॉड है। आपके मन में गंदगी है तो आपके मन में फिर हर व्यक्ति बहुत व्यभिचारी अय्यासी है, तो समझ लेना चाहिए कि ये दोष मुझ में है। आप अपने आप को ऐसा ही परीक्षा कर सकते हैं। जब आप ऐसा बोलते समझना चाहिए कि ये मुझ में न्यूनता है, ये कमी मेरी है, क्योंकि मैं फ्रॉड करता ही हूं, मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ श्रेष्ठतम यंत्र और सामग्री आपको दी है और श्रेष्ठतम मंत्र दिया है, पूरी इसकी साधना विधि समझाई है, और मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि आप इस साधना को संपन्न करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण करता हूं। सामने माला रख दीजिए और माला के बीच में दोनों चीजों को रख दीजिए, माला का घेरा बना दीजिए, माला को मोड़िए मत, जितना घेरा बनता है उतना घेरा रखिए, पूरा खोल करके माला को डबल मत करिए। बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करें। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरम शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः। शिखाबंदनम मानस्तो कितमे मान आयुषमानो गोकुमानो अश्वे गुरुमानो वीरंद्रभामिनो वधिदेव स्वाहा महे। तीन बार आत्म जल लेकर के पी लीजिए। ऐं मन शुद्धिम पवित्रयामि साम ह्रीम आत्मतृप्तिम सुव्यामि साम ह्रीम साम देहतृप्तिम सुद्धयामि ताम हस्त प्रक्षालनम आदो लीजिए। शिखा वंदनम चोटी गांठ लगा दी, आत्म जल लीजिए संकल्प। ओम विष्णु 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 भारतवर्ष से बलखंडे जमुदीपे शालिमान साखे बुद्धा उत्तर संसदी को दोजा पैंदल इस आत्मा समाज रविवास रे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त संभाव लक्ष्मी सरकार सुधारु शकरम श्याम नास दथम लोकी वासी भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रसवारस्य सपुत्रस्य सबांधस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु प्रहार द्वारा आयु धन संतम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम
ताम पूर्ण लामा वावान तीम पूर्वा लामा सिद्धिमती लामा मंत्रेण स सौंदर्य तमाम षोडशी महत् षोडशी मामती लघु षोडशी ताम मध्य षोडशी ताम पूर्ण विराट सौंदर्य शांति शांति मम प्रत्यक्षम भव ताम गुरु साक्षिणे ताम संगम तुभ्यम संप्रदेय छोड़ दीजिए। अब मैं लामा मंत्रों से पूजन कराऊंगा। वीरासन में आप बैठ जाए जैसे हनुमान जी बैठते हैं, दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियों के ऊपर बैठ जाए। एड़ियों पर या एड़ियां खोल करके जिसमें आप इजीली बैठ सकते। तिब्बती भाषा और चीनी भाषा करीब करीब मिलती हुई है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। जैसे गुजराती राजस्थानी में बहुत थोड़ा सा अंतर है, उसी प्रकार से चीनी भाषा और तिब्बती भाषा करीब करीब एक जैसी है। इसलिए मैं उसी मंत्र से इस यंत्र को आपसे संबंधित कर संकल्प में बोल दिया हूं कि आपके अमुक गोत्र अमुक नाम से यह पूर्ण सिद्धि युक्त आप सफलता प्राप्त कर सकें, इसलिए मैंने बोला है। जैसा मैंने बताया उस प्रकार से आप बैठ जाएं। उठने पर आप पांव रख करके और दोनों हाथ खोल करके उंगलियां खुली हुई हैं, रिंग किंग चैंग पाम चौंची पुरान चिंग यहाँ जी फूं सांची चांस आप पुरान ची राज ची चांची चिंग चौंची राज सवानी चिंग चांस बिजार सच चुवा चुवा ची राज बसी राज ची राज ची मुतमात मात मात मचम चिंग 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 राज बसा पुरान ची चांस चांस चिंग आंग आंग ची माँ मुं पुरान चिंग चांग अल पर अवधि माँ ची मात माप साम सिंसु स्वास सिंह पुरान सांस चिंग 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 वा पुरान चिंग सवा पुरान ची चम ती माँ दा ए चांग चिंग चांस पुरान ची चुवा पुरान सांस मात ची मिसा चुवा ची राज ची माँ वा चुवा चिंग चांग 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 चुवा जी चोम चांस पुआ चा ची चांग वा चुवा पुरान ची निराश ची माँ मुं ची माँ पुम पाम पुरान मात खैरिये तो तिब्बती भाषा है और उसी क्रम से बोली जाएगी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सफलता मिले, आपको सिद्धि मिले और जीवन का आप पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें।